फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ऑर्चिड फोर्ट शोरूम, NH 58, परतापुर बाईपास, मेरठ। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में 10 वर्षीय मासूम बच्ची का खेत में खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पहुंचे परिजनों ने बच्ची के साथ घिनौनी हरकत कर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्ची के पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए पिता ने बताया कि मेरी बेटी कल शाम को खेतों पर काम करने गई थी, इसके बाद घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। उसके बाद बच्ची का शव गांव के बाहर खेतों में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजन मासूम को घर ले गए और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को देते हुए आशंका व्यक्त की कि बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या की गई है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए बांदा के अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप ने यह बताया। ग्राम पोहैया के रहने वाले बालकेश द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनकी पुत्री की किसी ने गला दबा करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जाए। फर्स्ट बाइट की रिपोर्ट।